25 मिनट का रास्ता है। क्या कहते हैं इसको उर्दू में? भुट्टा। खर्चा खर्चा। बड़ी खूबसूरत जगह है, सही है, तो हमारे साथ ही रहिएगा। खतरनाक है यार, देख सकते हैं इस भाई ने मेरे ऊपर हाथ रखा है, इस पे अभी तकरीबन 500 जुर्माना है, काट दे इससे। लोकेशन जो है ना अब बड़ी स्पेशल है। और अंधेरा लगने वाला है, आप देख सकते हैं। अगर इधर अंधेरा लग गया ना तो निकलना है जो ना वो बड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि मोबाइल में फ्लैश लाइट नहीं है। आराम से भाई, क्या हो गया? गिर गया। लग गया भाई, कौन सी जगह है? ये जो है ना बलोच के साथ रेस मार रहा था। दिखा दो कड़िया भी यहाँ पे। अबे आराम से यार, ये क्या कर दिया? और बड़े मजे का यार, अलग लेवल का। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, वेलकम बैक टू माय चैनल बीएच डेली व्लॉग। तो गाइस कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम बुरान हयात है। तो जी आज का सीन कुछ ऐसा है कि बिना टाइम वेस्ट किए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो जी आज के व्लॉग में हम जाएंगे चाइना पोर्ट, और मेरे साथ जो है ना मेरा भाई है छोटा, और मेरा कज़न है, और साथ में जो है ना दो क्लासमेट भी है, तो साथ में चलेंगे। ये आप देख सकते हैं ये लोग खड़े हुए, ये वकास भी है, सुलेमान खान सब। तो मैंने लोकेशन जो है ना वो लगाया हुआ है, अभी हम जिस जगह पर खड़े हुए ये है हबी बैंक। तो यहाँ से तकरीबन है 25 मिनट का रास्ता है, 14 किलोमीटर रास्ता है, तो 25 मिनट में हम पहुँचेंगे। तो चलो चलते हैं साथ में और ब्लॉग को एंजॉय कीजिए। तो गाइज रवाना हो चुके हैं, ये सामने आपको दिख रहा होगा सिमस चुरंगी, क्योंकि हम जा रहे हैं हबी बैंक की तरफ से। तो चलिए हमारे साथ और ब्लॉग को एंजॉय कीजिए। तो गाइज ये सामने एक अच्छी पोर्ट है, तो अभी हम पहुंच गए हैं टावर पे, तो चलो चलते हैं। तो गाइज इस ट्रैफिक वाले बाबा को कौन कौन जानते हैं कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। तो गाइज ये लेफ्ट साइड पे गेट है, इस पर लिखा हुआ है वीकेंड बचत बाजार, इसी से अंदर जाना है। बाहर का जो मेन गेट था उस पर लिखा हुआ था वीकेंड बचत बाजार, और ये सामने लिखा हुआ है वेलकम टू कार बाजार, इसी से अंदर जाएंगे। और ये यही है चाइना पोर्ट की लोकेशन, यही है। तो अभी जाएंगे थोड़ा आगे जो है ना
चाइना पोर्ट ही आएगा। तो चलो चलते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को, वीडियोज़ में तो देखा है बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है, बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो चलिए अभी आपको भी दिखा देते हैं, तो हमारे साथ ही रहिएगा। चाइना पॉइंट है वहाँ पे, तो अभी आपको दिखाएंगे यहाँ का सीन जो कुछ होगा, तो हमारे साथ ही रहिएगा। भाई जी आप देख सकते हैं क्या कहते हैं इसको उर्दू में, गुट्टा खर्चा खर्चा, वकास ने खर्चा किया। चलो ये स्टिंग के साथ जो है ना खाएंगे, सही है, और स्टिंग भी इसके साथ पियेंगे। अभी वहाँ पे भी जाएंगे और दिखाएंगे आप लोगों को, बड़ी खूबसूरत जगह है, सही है। पकड़ो पकड़ो चलो, खतरनाक है यार, बहुत मजा आ रहा है यार, बहुत मजा। स्टिंग के साथ ये क्या नाम लिया इसका, कीड़ी बताया पता नहीं क्या है, लेकिन पश्तो में हम इसे ज्वार कहते हैं। बहुत ही अच्छा है माशाल्लाह, स्पेशल बहुत है, और जो है ना इसके साथ स्टिंग अलग ही मजा है, अलग लेवल। अरे मेरा डायलॉग है सही है। देख सकते हैं इस भाई ने मेरे ऊपर हाथ रखा है, इस पे अभी तकरीबन 500 जुर्माना है, कहा गया 500 जुर्माना हो गया, दे दे भाई 500। ये मेरा स्पेशल सिक्योरिटी गार्ड है सामने जो बैठा हुआ, ये देख सकते हैं यार लोकेशन जो है ना बड़ी स्पेशल है और बहुत जबरदस्त लोकेशन है ये आप देख सकते हैं। तो यार ये मेरा जो कजन है वकास खान नाराज हो गया मुझसे यार, के ये भी थोड़ा ना ये कैमरा मेरी साइड पे पकड़ दे, आ रहे हो आ रहा यार सही है। ये क्या है, तो गाइज ये है चाइना पोर्ट, बहुत ही स्पेशल और अलग लेवल की जगह है, ये आप देख सकते हैं, ये जो मेरे पीछे बहुत ही खूबसूरत जगह है ये देख सकते हैं आप लोग, ये आवाम क्राउड भी देख रहा है। आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है जो भी देख रहे हैं मेरी तरफ, हाँ ना। ये वकास खान की कोई खिदमत क्या है, बस ये बोल रहा है कि तस्वीर खींचो, सही है मैं खींच लूँगा कोई बात नहीं यार। चलो यार आगे चलते हैं और दिखा रहे थे आप लोग यार, ये जगह जो है ना बहुत बड़ी खतरनाक जगह है, जितने भी पत्थर है बड़े बड़े, ये बंदा स्लिप भी हो जाता है इस पर, तो एहतियात से हम भी जाएंगे बड़ी एहतियात के साथ, क्योंकि रास्ता जो है ना वो खतरनाक है, बड़ी खतरनाक है भाई। तो गाइज चप्पल के साथ चलना जो है ना वो बड़ी मुश्किल है, शूज़ हो या चप्पल हो वगैरह जो कुछ भी हो वो जो है ना उतार लेना चाहिए, क्योंकि जगह जो है ना स्लीपी है। हाँ भाई आ गया तू, अरुण खान बच गया, आपको शायद कैमरे में नज़र ना आए क्योंकि बहुत दूर गया वो लोग, ये देख सकते हैं आप लोग अगर थोड़ा बहुत नज़र आए तो। बस मगरिब का टाइम हो गया, मगरिब का अजान हो रहा है, तो जो है ना अंधेरा लगने वाला है आप देख सकते हैं, अगर इधर अंधेरा लग गया ना तो फिर निकलना है जो है ना वो बड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि मोबाइल में फ्लैश लाइट नहीं है। तो गाइज लोकेशन तो बहुत ही स्पेशल है, दोनों साइडों पे समंदर, बीच में ये बड़े बड़े पत्थर, बहुत ही अलग लेवल वाला यार, विजिट करो लाजमी।
तो गाइस सनसेट तो हो गया, ये आप देख सकते हैं जो सूरज था वो गायब हो चुका है। अभी जो है ना समंदर जगह जो है ना बड़ी खूबसूरत है, कभी आना विजिट करना अभी जो है ना आप लोगों के लिए लाजमी है। तो गाइस ये जो लोकेशन है बड़ी अच्छी है, बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन फैमिली को लाना मुनासिब नहीं है क्योंकि ये बड़े बड़े पत्थर है और फैमिली जो है ना यहाँ पे नहीं आ सकती। उसकी वजह ये है कि ये जो जितने बड़े पत्थर हैं मर्द हजरात जो है ना आने जाने में दुश्वारी होती है, लेकिन मर्द हजरात फिर भी आ सकते हो और वो लोग इंजॉय कर सकते हैं जैसा कि हम लोग आए हुए और इंजॉय कर रहे हैं। सही है, तो इंजॉय भी करना चाहिए और भी एहतियात से। चार्ली चैपलिन जो है ना वो खड़ा हुआ है, आप देख सकते मछलियाँ वगैरह जो है ना पकड़ी हुई है। हम आए थे लेकिन थोड़े जो है ना देर हो चुका था, लेकिन फिर भी ये उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये लोग आप लोगों को पसंद आएगा इंशाल्लाह। तो बस आप लोगों की जो है ना सपोर्ट की ज़रूरत है, बस जो सपोर्ट कर रहे हैं उन लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, और जो नहीं कर रहे वो सपोर्ट करें प्लीज़, आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। सही है, तो ये आप देख सकते हैं अंधेरा लग गया है और अभी हम जाएंगे वापस और वापसी का जो कुछ भी सीन होगा आप लोगों को दिखाएंगे, तो हमारे साथ ही रहिए। आगे भी जो व्लॉग है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तीसरे में धूम, चौथे में गुम, पोयोल। जो है ना वो बड़ा खतरनाक है यार, आराम से भाई क्या हो गया, गिर गया। तो गाइस मेरा जो कज़न है वकास वो स्लिप हो चुका है यार, थोड़ा पैर लग गया यार, तो आराम से जाना चाहिए था ना यार वकास। उठ जाओ यार, ऐसा नहीं करो, आराम आराम से जाना चाहिए था ना तुमने। ये जो है ना बलोच के साथ रेस मार रहा था। नहीं रेस लगाने की जगह नहीं है, मैंने पहले भी बताया आप लोगों को यार, आराम से आराम से, मैं बार बार बता रहा हूँ आराम से, तुम लोग भाग रहे हो पता नहीं क्यों। नहीं भाई आराम से जाना है, जो भी काम करना है बिल्कुल तसल्ली से करना है, भागने वाले काम नहीं है भाई। चलो यार, इस भाई ने मछली जो है ना पकड़ी है, शिकार की हुई मछली की, दिखाओ दिखा दो। ये पकड़ी है अभी यहाँ पे, अबे आराम से यार, ये क्या कर दिया, अबे हम उठा देंगे कोई बात नहीं। ओए ये जिंदा है, हाँ जहाँ जिंदा है यार, अभी भी छलांग वलांग वगैरह मार रहे हैं, ये देख रहे हो जिंदा है, अभी भी ताज़ा है ना इसको, चलो पका लेते इसको। हाँ भाई पका लेते, आगे जाके पका लेते। सही है, अभी इसके लिए ये भी उठा रहे हैं ना, उठा। आप लोग कहाँ जाए हो? हम लोग आए हुए बनारस से। बनारस? हाँ। ये क्या है? ये बल सशे है। क्या हो गया यार? अभी भी कलर उतरा हुआ है। ये देख ले बाइक खड़ी हुई है, तो पूरी तरह से अंधेरा हो चुकी है, तो चलो यार चलते हैं। सही है, तो गाइज अभी वापसी है, तो चलो चलते हैं और आगे व्लॉग जो है ना वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो हमारे साथ ही रहिएगा। तो गाइज ये है वॉच मार्केट, घड़ियों की बड़ी मार्केट है सदर में, बहुत ही स्पेशल और बहुत ही अच्छी अच्छी घड़ियाँ जो कि हैंड वॉच भी मिलती है और भी बहुत सारे बड़े छोटे जितने भी वॉच है जितने भी घड़ियाँ है सारी की सारी मिलती है। सदर मोबाइल मार्केट जो कि बहुत बड़ा मोबाइल मार्केट है, जो ये बाहर वाला हिस्सा है जो कि स्टार सिटी के बिल्कुल सामने जो है ना ये बड़ा मार्केट है मोबाइल का। तो गाइज ये जो सामने लाइटिंग हुई हुई है ये है स्टार सिटी,
यह स्टार सिटी मॉल है, बहुत बड़ा मॉल है। यहाँ जो है ना आल टू आल जितने भी मोबाइल फ़ोन है वो मिल जाते हैं। बहुत ही स्पेशल मार्केट है, ये बहुत ही स्पेशल मॉल है। तो ये देख सकते हैं आप लोग, ऑर्डर दिया हुआ है वकास खान ने और सुलेमान ने। हम तीनों है ना, हम बिल्कुल फ्री है, अरुण खान और ये साद खान बिल्कुल फ्री। उठा ले भाई, हिसाब हिसाब से लाया उन लोगों ने। बर्थडे बर्थडे, चलो चलो देखो अब मैं क्या करता हूँ। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। बिस्मिल्लाह, ज़्यादा टेस्टी है और बड़े मज़े का है यार, अलग लेवल का यार। पी नहीं सकता, गला थोड़ा ख़राब है उसकी वजह से पी नहीं सकता। ये आप देख सकते हैं। तो गाइज घर पहुंच गए, उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर थोड़ा भी पसंद आया हो तो व्लॉग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें ताकि मेरे नए आने वाले इंटरेस्टिंग व्लॉग्स की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।